Assalamu alaikum, ladies and gentlemen. Talking to the media and the students once again with the very much hot topic nowadays. We will talk about the career counseling with some wonderful people here. बात करेंगे कि students का career क्या है, choices क्या हैं, opportunities क्या हैं. भाई मैंने करना क्या है. हम बात करेंगे कि मैट्रिक में क्या करना है, एफएससी में क्या करना है, उसके बाद क्या है. मैट्रिक कर लो, लाइफ आसान है. कैसे आसान है, क्यों आसान है, किस तरह आसान है, वी विल टॉक अबाउट इट. वी हैव सम स्पेशल गेस्ट विद अस. वी हैव सर मुजाहिद सुलेमान. एजुकेशन में इन्होंने लाइक अप्रॉक्सीमेटली 6 to 7 years इन एजुकेशन, और एक काफ़ी अच्छा बैकग्राउंड है, बहुत ही बेहतरीन का, उनसे ही बात कर लेंगे उसके ऊपर. एंड अनदर गाय विद अस सर हैदर अली सहर. सो ये एजुकेशन के साथ स्कूल्स में पढ़ा चुके हैं, कॉलेज में पढ़ा चुके हैं, साथ यूनिवर्सिटी में पढ़ा चुके हैं. इन्हीं से सुनते हैं कि कैसे हैं, कहाँ से आए, इनकी लाइफ क्या है, कहाँ से, किस तरह इन्होंने पढ़ा है. सो वेलकम टू द शो सर. थैंक यू सो मच. इट्स अ बिट मच इनफॉर्मल, राइट? थैंक यू. ओके, कैसे हैं आप लोग? मैं रिलैक्स हूं. ग्रेट. सो क्वेश्चन ये है कि ये बच्चे नर्वस होते हैं यार, बड़ा मसला होता है. लाइक क्या करना है, मैट्रिक में क्या करना है, सब्जेक्ट्स क्या चूज करने हैं, एफएससी में क्या करना है, मार्क्स नहीं आते हैं, करियर क्या चूज करना है. देयर इज अ लॉट ऑफ हैवक आउट देयर. मतलब स्टोरी कुछ यूं है ना कि सब्जेक्ट चूज करने का नहीं पता होता है. स्कूल में जाते हैं, स्कूल में जो सब्जेक्ट होता है वही चूज कर लेते हैं. एंड देन द प्रॉब्लम इज कॉलेज में जाते हैं, पता नहीं है एफएससी क्यों कर रहे हैं लेकिन कर रहे हैं, ठीक है. प्री इंजीनियरिंग क्यों कर रहे हैं, पता नहीं है लेकिन कर रहे हैं, ठीक है. मेडिकल क्यों कर रहे हैं, पता नहीं है लेकिन कर रहे हैं, क्योंकि दैट वाज समथिंग टू गो फॉर, राइट? सो टॉक अबाउट इट. नाइन्थ और मैट्रिक में क्या अपॉर्चुनिटीज हैं? मुजाहिद सर आप क्या सोचते हैं कि क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं? करियर काउंसलिंग जो है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, किसी भी आप फील्ड में हो या लाइफ के किसी भी आप स्टेज में हो. तो करियर काउंसलिंग ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि करियर काउंसलिंग के बगैर लाइफ इट वुड बी लाइक अ शिप विदाउट एनी डेस्टिनेशन. जब आपकी कोई डेस्टिनेशन होगी, कुछ गोल्स होंगे, आपको क्लियर कट होंगे चीज़ें, वो लाइक अ लाइट हाउस. एग्जैक्टली, मेरे यहाँ जाना है. एग्जैक्टली, तो वेयर यू आर गोइंग व्हेन द थिंग्स विल बी क्लियर, इट वुड बी वेरी इजी फॉर यू टू अचीव योर डेस्टिनेशन एंड टू अचीव योर गोल्स. मैट्रिक में सबसे ज़्यादा हेजिटेशन होती है बच्चों में, और कन्फ्यूजन्स भी होती हैं बहुत ज़्यादा, कि उन्होंने कौन से सब्जेक्ट्स चूज़ करने हैं और कौन से नहीं करने हैं. सब्जेक्ट चूज़ करने से पहले हमेशा एक बात का ख्याल रखना चाहिए, वो ये कि आपका इंटरेस्ट कहाँ पे है, कौन सी चीज़ें हैं जो आपको फैसिनेट कर रही हैं, और आपने लाइफ में कौन से चीज़ों को ऑप्ट करना है और कहाँ पर आपने जाना. तो इसमें आपकी लाइक्स, आपकी डिसलाइक्स, कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जिस पे आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एप्टीट्यूड हासिल होगा, आप उसको अचीव कर सकते जी, और कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जिनमें आपको इतनी ग्रिप नहीं होगी. तो बेहतर यही है, कुछ स्टूडेंट्स जो होते हैं वो साइंस सब्जेक्ट्स में बहुत ज़्यादा उनको अबूर हासिल होता है, कुछ मैथमेटिक्स में ज़्यादा फास्ट होते हैं और कुछ दीगर साइंस उसमें, तो कुछ को प्रॉब्लम्स भी होते हैं. तो सबसे बेहतर यही होगा कि स्टूडेंट उसी सब्जेक्ट्स को ऑप्ट करें जिनमें उन्हें अच्छी कमांड हासिल हो. तो मैट्रिक में आपके पास दो ही अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, आपको या तो कंप्यूटर चूज़ करना होता है, नहीं तो आपको इंजीनियरिंग की तरफ जाना होता है, या तो अल्टरनेट ऑप्शन बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स बायोलॉजी को चूज़ करते हैं जिन्होंने आगे जाके डॉक्टर बनना होता है. नाइन मैट्रिक में एग्री विद हिम सर हैदर साहब. फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर इन्वाइटिंग मी, एंड इट्स अ हॉट टॉपिक आई गेस. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट इशू दैट यू हैव रेज्ड. Respectfully, I would disagree to some extent. वो इस लिहाज से कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें करियर काउंसलर अब्बू जी है. मसला है, बहुत बड़ा मसला है. Exactly. Yeah. Understood. अच्छा, हम अगर देखें तो we are following a rut. हम एक rut को follow कर रहे हैं, और हम ninth और matric में या तो हमने science की तरफ जाना है, और sciences, और अभी तो बहुत से लोगों में साइंसेज के अंदर आपने या बायोलॉजी कंप्यूटर जैसे सर ने कहा,
यू डोंट नो अबाउट द अदर पॉसिबिलिटीज यू हैव इन नाइन्थ एंड मैट्रिक इवन. आपके पास ह्यूमैनिटीज है फॉर एग्जाम्पल. मोस्टली हमारा जिस तरह का एनवायरनमेंट है गिलगित बल्तिस्तान का, मोस्टली स्टूडेंट्स आर वेरी लेट्स से कि कॉन्शियस अबाउट आर्ट्स. जैसे कि मैं देयर इज अ प्रॉब्लम कॉन्शियस अबाउट आर्ट्स. क्या करें यार, आर्ट्स में कोई हमें क्या कर सकता हूं, यस क्या होगा मेरा, बिल्कुल ठीक है. एंड देन दे चूज द साइंस और आगे जाके पूछते मैं कहां आ गया हूं. और दैट्स काइंड ऑफ सिचुएशन. यही मैंने कहा ना कि करियर काउंसलर जब अब्बू जी है तो थिंग्स आर गोइंग टू बी रॉन्ग, दे आर मेंट टू बी रॉन्ग. एग्जैक्टली. तो मेरे ख्याल में हमें जो नाइन्थ और मैट्रिक लेवल पे ना सिर्फ हम उनको चॉइस ऑफ सब्जेक्ट दे दें, इसके अलावा स्किल दे दें. ये मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है. आई डोंट नो मुजाहिद साहब एग्री. यस एग्जैक्टली, आई एग्री. मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स दे डोंट वांट टू लेट से कि कैरी ऑन विद देयर स्टडीज. वो पढ़ाई में आगे नहीं जाना चाहते. Then why you are compelling them or forcing them? Exactly. Give them some skills. Yeah. क्या skills हो सकते हैं? For example. Photography or maybe whatever. मतलब skills में देखें. Carpentry में जाएं. कम से कम ये जो status को बनाया हुआ है हमने, ये तो एक एक मसला है. एक मसला है. Do you guys agree with this कि कोई skill है? For example, carpentry है, mechanics है, उसके अलावा बहुत सारे photography है. अब इसको वो प्रेस्टीज नहीं दी जाती है जो एक डॉक्टर को दी जाती है, इंजीनियर को दी जाती है. ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये भी एस्पेक्ट है. एग्जैक्टली ऐसा ही है. हमारे पास जब आप साइंसेस की बात करते हैं तो साइंसेस को हम यहाँ पे दो कैटेगरीज में इन्हें डिवाइड करें तो बेहतर होगा. एक नेचुरल साइंसेस है जिसमें आपके पास फिजिक्स है, बायोलॉजी है और केमिस्ट्री है और दीगर सब्जेक्ट्स हैं. जबकि दूसरा हमारे पास है सोशल साइंसेज. सोशल साइंसेज वो साइंसेज हैं जिनका सोसाइटी के साथ इंटर रिलेशन है और जो सोसाइटी में हम आम तौर पर पढ़ लेते हैं. जैसा सोशियोलॉजी है, आपके पास इंटरनेशनल रिलेशंस है, वो फिर जाके हम एफए में आके इंटरमीडिएट में कुछ आगे की लेवल्स की बात हो गई ना. मैं चाह रहा हूँ कि आप इंटरमीडिएट तक जब बच्चे को ला रहे हैं तब तक सिर्फ उन्हीं बच्चों को लेके आए हु आर रियली इंटरेस्टेड इन डूइंग समथिंग. एग्जैक्टली. एकेडमिकली वरना एफएससी कराने की क्या जरूरत है? एफएससी कराने की उसको क्या जरूरत है? इन द फर्स्ट प्लेस हर बच्चे को एफएससी के लिए लाया जाता है. क्यों भाई, क्या जरूरी है? ये मेरे लिए कंसर्न की बात इसलिए है कि आई हैव सीन टन्स एंड टन्स ऑफ ग्रेजुएट्स एंड पोस्ट ग्रेजुएट्स अप्लाइंग फॉर 12 स्केल के 12 ग्रेड की या स्केल कहते हैं ना हम लोग. व्हाई आर यू सेलिंग योरसेल्फ सो शॉर्ट देन? What I'm trying to say is, अगर आपका बच्चा पोस्ट ग्रेजुएट करके, पोस्ट ग्रेजुएशन की तालीम हासिल करके, अगर उसने 14 स्केल की नौकरी के लिए ही जद्दोजहद करना है तो उसको मैट्रिक में ही उसी 14 स्केल के लिए लायक बनाओ. पॉइंट व्हाट डू यू से सर? एग्जैक्टली सर, आई एग्री विद यू. उसके बाद है हमारे पास फॉर एग्जांपल एफएससी. यस, वन वे आर द अदर. मैट्रिक में चाहे आपके 60% हो, 50% हो मार्क्स, यार आपने एफएससी करनी. क्यों करनी है भाई? Do you agree with this thing? FA भी है. अगर FA भी आप नहीं करना चाहते हैं तो you can go for the skills. ऐसा है ना? ये बिल्कुल सही बात है कि matriculation के बाद आप उनको skill दे दें आराम से. Yes. इससे सबसे बड़ा जो फायदा होगा, ये जो job की status को बनी हुई है कि मतलब doctors, then engineers and then 17 scale officers and we have this hierarchy. कम से कम अगर हम इसी लेवल पे अगर स्किल्स प्रोवाइड करें और अर्निंग बच्चों की शुरू हो जाए और उनके अंदर जब अर्निंग की कॉन्फिडेंस बढ़े और उनका मोरल हाई हो तो यहीं पे ही जॉब की स्टेटस को चैलेंज किया जा सकता है. फ्रीलांसिंग फॉर मी, फॉर एग्जांपल फॉर मी ए कारपेंटर इज एज इम्पोर्टेंट एज ए डॉक्टर. एग्जैक्टली. विदाउट पार्ट ऑफ द सोसाइटी, विदाउट अ कारपेंटर एंड व्हाई डू यू गिव अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट. मेरे ख्याल में आजकल डॉक्टर स्टीरियोटाइप. Yes. Do you agree with that? Yes. This stereotype है. सबसे बड़ा मसला है. हमारे कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने अपनी तकरीर में बताई थी ये बात, लेकिन हम उनकी अनसुनी करके अंग्रेजों की गुलामी में आज भी हैं. Exactly. देखो उन्होंने कहा था कि मतलब इस रट से निकल जाओ कि आपकी क्लरिकल माइंड बन चुकी है. आप ये देखो कि सरकारी जॉब्स के पीछे पड़े हुए हैं. इवन क्वालिफाइड डॉक्टर. Shall I add something? Yes. धंधा कोई छोटा नहीं होता. बिल्कुल. You agree with that? Exactly. There's a Bollywood movie का कुछ. हाँ. अच्छा एक और चीज आजकल हाइप क्रिएट मेरे स्टूडेंट्स के बीच में. इनफैक्ट आई हैव नीसेस एंड नेफ्यूज
वो सारे भांजे भतीजे गौर से सुन लें, और छोटे भाई वो सारे, और मेरे सारे स्टूडेंट्स ज़रा गौर से सुन लें, अभी ज़रा इम्पोर्टेंट होने जा रहे हैं। एमकेट का टेस्ट देते हैं हमारे स्टूडेंट्स, और वहाँ पे वो सेलेक्ट नहीं हो पाते हैं, अनफॉर्चुनेट सिचुएशन। फिर क्या ऑप्शन है सर, व्हाट डू यू से? अच्छा, दे मस्ट हैव अ प्लान बी, या फिर इंजीनियरिंग का भी टेस्ट है। सॉरी फॉर द इंजीनियर, राइट? प्लान बी आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा काम आता है। जब आपका प्लान ए, सपोज आप उसके लिए इंजीनियरिंग के लिए जा रहे हैं, अगर वो आप इंजीनियरिंग के एमकेट के टेस्ट में अगर फेल हो जाते हैं, तो देन यू मस्ट हैव अ प्लान बी। प्लान बी ये होना चाहिए कि आप कहीं आर्मी में जा सकते हैं, आप नेवी में जा सकते हैं, आप एयरफोर्स का हिस्सा बन सकते हैं। तो यू हैव मैनी एंड मैनी प्लान्स, अल्टरनेट गोल्स आपके पास होने चाहिए टू गो फॉर, राइट? टू गो फॉर, एग्जैक्टली। अल्टरनेट गोल्स के अलावा मेरे लिए जो इम्पोर्टेंट है एफएससी के बाद, जैसे कि हमने पहले भी इस पर डिस्कशन की कि इस रट में गिर जाते हैं बच्चे, yes. और उनको या तो डॉक्टर की ज़हनियत बनी होती है या इंजीनियर्स की, यहाँ पे ही मोराल बच्चे की ख़त्म हो जाती है। सेल्फ एस्टीम, मोराल डाउन हो जाता है। सेल्फ एस्टीम के मसाइल हमारे यहाँ तो हाँ लग जाते हैं, वो तो शुरू से चलते आते हैं। लेकिन उनका यह है कि अगर मैं एग्ज़ाम में, इस एग्जामिनेशन के अंदर, मिसाल के तौर पर एमकेट है या इंजीनियरिंग का जो टेस्ट है, उसका भी जो टेस्ट है, उसमें भी अगर मैं सक्सेसफुल रहा तो मेरा कॉन्फिडेंस। अब आप अपने इंसान होने की जो रिस्पेक्ट की जो कॉन्फिडेंस है, वो तो आपके पास होना चाहिए। इफ यू हैव द यू हैव कॉन्फिडेंस, यू कैन अचीव एनीथिंग। यू नॉट नेसेसरी फेलियर इज द पार्ट ऑफ लाइफ, ये बात समझाना बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड इट लीड्स टू द सुसाइड इन द स्टूडेंट्स। मैं बहुत पैथेटिक फील करता हूं एज ए पार्ट ऑफ दिस सोसाइटी। मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि हम बच्चे की साइकोलॉजिकल ग्रूमिंग करें। एग्जैक्टली, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर वो एमडीकेट का टेस्ट दे रहा है या इंजीनियरिंग का टेस्ट दे रहा है या वो आईएसएसबी में जाना चाहता है, उस वक्त वो मेंटली इतना मैच्योर हुआ हो कि उसके नतीजे का असर उस पे ना पड़े। एग्जैक्टली, दैट इज व्हाट आई वांट टू से। नतीजे का असर, क्योंकि अगर नतीजे का असर नहीं होगा, नेगेटिव इंपैक्ट होगा, तो उसकी क्रिएटिविटी बरकरार रहेगी, yes. उसकी जो सेंस ऑफ इनोवेशन है वो बरकरार रहेगी। अगर किसी बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस है, सेंस ऑफ क्रिएटिविटी जिंदा है, सेंस ऑफ इनोवेशन जिंदा है, तो ही कैन डू एनीथिंग इन द मार्केट। वो कुछ भी कर सकता है और अच्छा कर सकता है। या एट द एंड लेट्स सम अप दिस थिंग। आप ये जो सोसाइटी के जो अभी अभी बच्चे हैं, ठीक है, हमारे प्यारे प्यारे चूजे हैं छोटे, वो अभी आ रहे हैं सोसाइटी में, राइट? इट्स गोइंग टू बी ए ह्यूज फॉर देम आफ्टर द एमडीकेट टेस्ट या फिर ईकेट टेस्ट के बाद, या फिर इवन आर्मी में टेस्ट में फेलियर के बाद, या फिर पास हो जाते हैं तो एक करियर आगे उनके पास। अगर नहीं होता है, क्या पैगाम देना चाहेंगे उनके लिए फेलियर के बाद? क्या कहेंगे फेलियर के बाद? जब शॉर्ट एंड कंसाइज, जब भी आपका एक गोल जब अचीव नहीं होता, इट डजंट मीन आपकी लाइफ वहाँ पर स्टॉप हुई हो या आपके गोल्स वहाँ पर ख़त्म हुए हो, तो बल्कि अल्टरनेट आपके पास बहुत ज़्यादा गोल्स होते हैं, आपके पास बहुत और आपके पास चीज़ें होती है करने को, जिन्हें आप चूज़ करके आगे एक ज़बरदस्त आप प्रोफेशन आप हासिल वो अचीव कर सकते हैं। इट डजंट मीन फेलियर, डजंट मीन द एंड ऑफ लाइफ। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आप अगर कहीं भी फेल होते हैं तो आप एक लेसन सीख लेते हैं वहां से। होप फॉर द बेस्ट, एग्जैक्टली, होप फॉर द बेस्ट एंड रेडी फॉर द वर्स्ट। यस, मैं जो अपने बच्चों से, क्योंकि इस वक्त आई एम टीचिंग एट अ कॉलेज, मेरे एफएससी के बच्चे आ रहे हैं, मैं जो सबसे पहला चीज़ उनसे कहना चाहता हूँ ना, वो ये कि मतलब जस्ट डिसाइड फॉर योर ओन, या अपने फैसले खुद करना सीखो बच्चों यार। लेकिन मतलब उतनी साइकोलॉजिकल ग्रूमिंग नहीं है ना यार, यही तो मसला है। मतलब आई हैव बीन डिक्टेटेड बाय माय फादर, माय फादर हैज बीन डिक्टेटेड बाय हिज फादर, सेम ही है, और इन्हीं डिक्टेशंस की वजह से, यस यार, बस 9 to 5 जॉब हो और मतलब आपका छोटा सा, मतलब ये कह लें कि 300-400 स्क्वायर फीट का घर हो और आपके, दिस इज नॉट लाइफ। लाइफ इज हैप्पीनेस, लाइफ इज समथिंग बिगर देन एन अर्निंग, एक अर्निंग से ज्यादा है जिंदगी में। मैं कहता हूं कि जिंदगी में मकसद बनाए, लेकिन उस मकसद का, मकसद के पीछे कोई मोटिव होना चाहिए। Exactly. आप बड़ा Exactly. सोचें। अगर अक्सर बड़ा सोचने से मेरी मुराद ये नहीं है कि आप डॉक्टर बनने का सोचें, इंजीनियर बनने का सोचें,
माशरे का सोच है, इस माशरे को कुछ देने का सोच है, कुछ ऐसा आप सेलेक्ट करें अपने करियर के अंदर, यानी कि डिसाइड फॉर योर ओन। जब आपके अंदर डिसीजन पावर आ जाएगी ना, तो यू कैन अचीव एनीथिंग, और उसमें आप ना सिर्फ अपने आप को बेनिफिट दे सकते हैं, आप एक पूरे माशरे को बेनिफिट दे सकते हैं। अंडरस्टूड? हमारे पास अभी मेरा सवाल ये है कि मतलब आई एम सॉरी कि मैं सवाल कर रहा हूँ, राइट? लेकिन आदत से मजबूर हूँ। एग्जैक्टली, आई टोल्ड यू, डोंट ओवरवेलम मी, क्वेश्चन मी बट डोंट ओवरवेलम मी। हमारे पास इतनी खूबसूरत जगह है, इतना खुदा ने इतने नवाजशात से नवाजा है, हमने इसके साथ क्या किया? हमारे रिसोर्सेज के साथ हमने क्या किया? हमारा आटा आता पंजाब से, ठीक है, दालें आती है पंजाब से। कम्प्लीटली वी आर ए लॉन्ग डिबेट टू गो, यस, कम्प्लीटली। मैं इस पे जाऊंगा तो हम बहुत दूर चलेंगे, बहुत दूर चलेंगे, वी बेटर स्टॉप इट। बट द थिंग इज, हम ये तो कर सकते हैं ना कि हम कोई एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स डेवलप करें। या there is a vast majority of skills we can go for. अब देखिए, कोई भी business setup कर सकते हैं हम, कोई भी entrepreneurship skill हम ले सकते हैं। So at the end, we could sum up with the thing कि we can go for entrepreneurship. Yes. And a lot of skills there are. देखिए, out of the education के जो set patterns से उससे out जा सकते हैं। So अक्सर मैं अपने बच्चों को ये नसीहत करना चाहूँगा कि देखो, कभी ना, मतलब एक बच्चा मेरे पास आके कहता है कि मैं सोच, मेरी GCU फैसलाबाद में, मैंने तो इन्वायरमेंटल साइंसेस पढ़नी थी, लेकिन मेरी वहाँ पे जो है ना किस में, फिजिक्स में हो गया है। अब मैं क्या सोच रहा हूँ कि अभी फिजिक्स में जाऊँ। यार, व्हाई डू यू गो फॉर फिजिक्स इफ यू डोंट लाइक इट? इफ यू डोंट लाइक इट, ओके, दैट वाज अ वंडरफुल इनफैक्ट डिस्कशन। व्हाई डू यू इवन थिंकिंग अबाउट दिस? एग्जैक्टली, understood? This you is a lot of dilemma. We can continue on with the, it for, yes, for, you know, for hours and hours and hours. And sabse zyada, I would say this, or you, I can, you can't just bake off with that, yes, right? Yes, I can't stop it. हमारे माशरे में जो social sciences और humanities के साथ जो सोतीली माँ का सुलूक किया जाता है ना, ये खत्म हो यार। दुनिया liberal arts को के लिए भी, मतलब दुनिया बदल चुकी है। The world is going for the liberal arts, in fact. The world is entirely going for the liberal arts. देखो, liberal arts की तरफ हम जाएं। मैं तो ये कहना चाहूँगा कि और अपने बच्चों को, for example, अगर बच्चा फेल होके FSC ना करके फेल होके ह्यूमैनिटीज में आता है, उसके कॉन्फिडेंस में, और जो कॉन्शियसली ह्यूमैनिटीज में जाता है, exactly, तो उसके कॉन्फिडेंस में जमीन और आसमान। ओके, लेट्स हैदर की बात में मैं इजाफा करना चाहूँगा कि हमारे पास जो ट्रेडिशनल हमारे पास ट्रेंड्स रहे हैं, वो सोसाइटी का ये रहा है कि या तो मैंने डॉक्टर बनना है, नहीं तो इंजीनियर बनना है, या तो आर्मी में जाना है, बनना है भाई, बल्कि बन सकते हो। मैं ये कहना चाहूँगा कि इसके अलावा भी आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं लाइफ में, क्यों, आप सोशल साइंसेज की तरफ जा सकते हैं, आप ह्यूमैनिटीज आर्ट्स का हिस्सा बन सकते हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये होगी, जहाँ भी जाएँ, जिस भी प्रोफेशन में आप, आपके पास 21st सेंचुरी स्किल्स जो हैं, जैसा आपके पास डिजिटाइजेशन, यू मस्ट बी अ कंप्यूटर लिटरेट, और आपके पास अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए, और आपके पास जितनी भी ऑफिशियल एक डिकोरम को आप मेंटेन कर सकेंगे, ये भी 21st सेंचुरी स्किल का हिस्सा है, तो ये स्किल्स आपके पास होनी चाहिए, तो आप कहीं भी आप नाकाम नहीं हो सकते। व्हाट आई थिंक, लेडीज एंड जेंटलमैन, वी विल गो अप विद अनदर एपिसोड। ये एक ऐसा टॉपिक है मेरे बच्चों के लिए कि दिस इज नेवर गोइंग टू एंड, दिस लीड्स टू द करियर चॉइसेस, योर पर्सनालिटी, योर डेवलपमेंट, और बहुत कुछ कि आपने लाइफ में करना क्या है, पढ़ना क्या है, कैसे पढ़ना है, ठीक है? सो वी हैड सम वंडरफुल गेस्ट, थैंक यू गाइज फॉर कमिंग अप, एंड वी हैड अ वंडरफुल टॉक इन फैक्ट। सो देखते रहिए नॉर्थ मीडिया और द वेस्ट विंग। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।